गुड आफ्टरनून बच्चों, देखिए मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा 3.2 एक्सरसाइज का। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये मैंने थोड़े से छोड़ दिए आपके प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट में बताइएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझे। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 years hence, यहाँ hence लिखा हुआ है, तो इस hence का मतलब नहीं जाना, आप आगे पढ़ना है, the age of Jacob will be, या will लिखना है, will का मतलब होता है plus करना है, और उसके बाद 3 times that of his son, 5 years hence, 5 years ago, Jacob age was है यहाँ पर, was का मतलब होता है पुराना, तो पुराने के लिए आ गया minus, तो हमें क्या करना है, यहां पर आपको जैकब की उम्र निकालनी है, जैकब की और उसके बच्चे की। बड़े ध्यान से देखिएगा, लेट द, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट जैकब एज बी एक्स, माना जैकब्स एज बी एक्स और सन एज बी वाई। ये ध्यान से देखिएगा कि जैकब की उम्र अगर एक्स है तो उसके बेटे की उम्र वाई में, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, देखिए 5 years hence, वो कह रहा है 5 years hence, यहां देखिए 5 years hence। अब हमें hence की जगह देखना है कि यहां पर जैकब विल है। अगर 5 year hence है और यहां पर विल है, तो विल का मतलब है आपका प्लस करना, ठीक है। आप देखिए, अगर हम 5 year hence है और यहां पर जैकब की उम्र कितनी है x, तो 5 year hence जैकब की उम्र हुई आपकी x प्लस 5, और सन की भी हुई, क्योंकि अगर बाप बढ़ेगा तो बेटे की उम्र भी बढ़ती है, तो y प्लस 5। देखिए इस तरह से आई, अगर हमारे पास 5 years hence बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बिल लिख रहा है, इट मीन्स जैकब की उम्र भी x प्लस 5 है और उसके बच्चे की उम्र भी y प्लस 5 है। अब y प्लस 5 का मतलब यह है, अब वो क्या बोलता है, वो कह रहा है जैकब विल बी थ्राइस टाइम्स एज ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो थ्राइस ऑफ सन है, सन से एज है, थ्राइस माने 3 गुना, 3 times, तो हमें जैकब की एज लिखनी है x प्लस 5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ y प्लस 5। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। अब देखिए, अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड क्या कर रहा है कि 7 years ago, अभी यहां लिख दिया मैंने 7 years ago। अब अगो देखा जाए, लेकिन इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यहां पर आप देखिए, यहां पर वॉज लिखा है, वॉज कह रहा है कि 5 years ago जैकब वॉज 11 times ऑफ हिज सन। देखिए सॉरी 5 years ago कह रहा है, और 5 years ago, लेकिन यहां पर जो लग रहा है वो लगा रखा है वॉज, क्या लगा रखा है वॉज, तो वॉज से आपको समझ जाना है कि ये माइनस है। अब देखिए जैकब की उम्र जो है, जैकब जो एज है वो आपकी हो जाएगी एक्स माइनस 5, और सन की जो एज है वो आपकी हो जाएगी वाई माइनस 5। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जैकब एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन। जैकब की जो उम्र है वो 7 times ऑफ हिज सन है, तो जैकब की उम्र है एक्स माइनस 5 बराबर 7 into y minus 5, यह आ गया एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y minus 35, एक्स माइनस 7y इक्वल टू -35 प्लस 5 एक्स माइनस 7y इक्वल टू -30। अभी आ गया इक्वेशन 2। देखिए अभी आपकी आ गई इक्वेशन 2, क्या अब हमें ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2।
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसकी जो x की वैल्यू है वो इसमें फाइंड कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए x माइनस, या कंपेयर कर देते दोनों इक्वेशन को, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 3y इक्वल टू 10। कंपेयर इक्वेशन, कंपेयर कर दिया मैंने। कंपेयर में क्या होता है कि इसके निशान बदलते हैं, ये हो गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, देखिए ये कट गया, ये आ गया आपका माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो गया, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन में माइनस 4, तो आ गया 10। अब देखिए y जो हमने माना था, y माना था बेटा, जो बेटी की उम्र है बेटा वो आपकी 40 साल आ गई, y इक्वल टू आ गया 10 इयर्स, और y है सन। देखिए अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पर देखिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे आप फर्स्ट, जब आप फर्स्ट में रखोगे तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, और यहां पर y की वैल्यू है 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू 40 ईयर्स हो गया। इसका मतलब देखो, सन की उम्र हो गई आपकी, सन बराबर y है, उसकी उम्र होगी आपकी 10 साल, और जैकब की उम्र हो गई आपकी, वो होगी x, वो होगी आपकी 40 साल, तो 10 ईयर्स और 40 ईयर्स आपको आ गया ये क्वेश्चन। तो यहां पर आपने इस तरह से 10 ईयर्स और 40 ईयर्स निकाल लिया है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरह से। और क्वेश्चन जो है इसका बुक का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रैक्टिस करेगा पार्ट 3 का। थैंक यू।